प्रेस वार्ता की जा रही है। देखिए, जो हज़्ब दस्तूर हर साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे पे जो अजमेर में जुलूस निकलता है, ढाई दिन के झोपड़े से जामा अल्तमश से जो दरगाह अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीबनास की दरगाह के निज़ाम गेट से होता हुआ दौलत बाग में, जिसका ओरिजिनल नाम दौलत बाग था, सुभाष उद्यान कहा जाता है, वहाँ पे जाके इसका समापन होता है। दुआ खैर होती है मुल्क और कौम व मिल्लत के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन है, मानवता के प्रतीक हैं। उनका जो ये योम पैदाइश है, विलादत है, बर्थडे हम बड़ी हो हर्ष उल्लास से मनाते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है, कम्युनल हारमोनी का और मजहबी हमांगी का। इसमें डीजे की ममानियत है, कोई डीजे नहीं बजेगा, ढोल नगाड़े भी कोई लेकर नहीं आए। दूसरे ये है कि स्वच्छ अजमेर, ग्रीन अजमेर का भी ये एक सिम्बोलिज्म रहेगा। हम ये चाहते हैं कि तमाम 36 बिरादरियाँ जो मुसलमानों की हैं इसमें शामिल हों और इसमें सवाब दारेन हासिल करें, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी ये कहते हैं कि इसमें शिरकत फरमाएं। अंजुमन की दरगाह शरीफ अजमेर की सीढ़ियों से हम तमाम जुलूस पे, चाहे वो किसी भी मज़हब का फूल बरसाते हैं, तो ये तो हमारा जुलूस है। अंजुमन सैयद ज़ातगान खुद्दाम ख्वाजा इस पर फूल भी बरसाएगी। 500 वॉलंटियर्स का अंजुमन मोइनिया हॉल में 25 तारीख को वॉलंटियर्स को कार्ड भी बांटे जाएंगे। इस तरह से ये जुलूस शान व शौकत से और पूरी दुनिया में निकलता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले करोड़ों नहीं, अरबों की तादाद में, और हम उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ मानते हैं और मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत का हम मुजाहरा ये रैली निकाल के जुलूस की शक्ल में करते हैं। और ये कम्युनल हारमोनी का भी प्रतीक है। सिर्फ हम अपने प्रॉफिट की शान बयान करते हैं, किसी के भी मज़हब की बुराई नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं और देश में प्रेम का संदेश भी देते हैं। कहाँ से प्रारंभ होगा ये जुलूस और कहाँ पर समापन होगा? ढाई दिन के झोपड़े से शुरू होके सुभाष उद्यान में दौलत बाग में इसका समापन होगा। कौन कौन शामिल रहेगा? तमाम 36 बरादरियाँ मुसलमानों की इसमें शामिल रहेंगी, और जगह जगह पे हिंदू और जैनी भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई इस जुलूस का स्वागत करेंगे। बहुत